आज हमारे बीच हैं यजवार भानुराज अनुराज पाल सिंह जी, जो 108वीं पीढ़ी हैं पाल वंश की, और अभी हम उनके देवल दरबार में बैठे हैं। और जो पाल डायनेस्टी का जो मुख्य केंद्र था वो वहाँ पे आज हम बैठे हैं और जानेंगे उन्हीं से कि कैसे देखते हैं वो आज अपने को और इस समाज को। जब राजतंत्र अब धीरे धीरे वो नहीं रहा और लोकतंत्र आ गया है, तो कैसे देखते हैं उस चीज को आप? अपनी अपनी जगह है, जो भी है। वैसे सरकार भी अच्छी है राइट नाउ। आई मीन बिफोर देयर वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, पहले तो ये प्रॉब्लम्स भी होती थी, यहाँ कोई देखने नहीं आता था। उत्तराखंड अलग होने से काफी मतलब सुधार भी हुआ है, बट अदरवाइज ये एक पिछड़ा, बहुत ही पिथौरागढ़ तो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था। एंड यहाँ पे उस जमाने में भी मतलब यहाँ रहना काफ़ी कठिन हुआ करता था। बात मतलब पैदल रोड हुआ करती थी, रोड मतलब रोड भी बहुत बाद में आई है, फिर 62 के बाद ही आई है, तो उसके पहले तो काफ़ी मुश्किलें झेली हैं, इतना आसान नहीं था। पर ये था कि मुश्किलें झेली भी थी तो हेल्दी ज़्यादा रहते थे हम लोग। देयर वाज लॉट ऑफ वॉकिंग अराउंड, बहुत चलना फिरना होता था, तो उससे इंसान ज़्यादा हेल्दी होता था, यहाँ डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती। बट अब विथ ऑल द फास्ट फूड एंड एवरीथिंग कमिंग इन, अब डॉक्टर की जरूरत पड़ती हुई है। और कभी कभी एहसास होता है कि हाँ, कुछ ज़्यादा मतलब होना चाहिए था जो कि यहाँ नहीं है अभी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात हम करते हैं, तो मैंने पढ़ा था कि आपके शासनकाल में जब भी पाल डायनेस्टी का शासन रहा तो वहां से यात्रा को शुरुआत रही, और क्या क्या आप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका कैसा मार्गदर्शन है, किस प्रकार से आपने यात्राओं की शुरुआत करी थी? यात्रा की शुरुआत मैंने नहीं की थी, पहली बार था। ये ऐसा था कि उस समय कत्यूर, हम लोग कत्यूर में ही रहते थे जी, तो एक बहुत बड़े संत महात्मा थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ उस समय, उन्होंने आकर के त्रिलोकपाल देव से कहा कि अपने एक बेटा प्रदान कर कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा के लिए। ओके, यहाँ लूटपाट बहुत होती थी, जंगली ट्राइब्स वगैरह बहुत थे, और आधे लोग तो कैलाश पहुँच ही नहीं पाते थे, यहीं उनके सत्यानाश हो जाता था। लूट पाट के मार काट के मतलब वो पहले मतलब बहुत ये उनसे होता था। तो अभय पाल देव यहाँ आए थे महज सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा के लिए। तो शुरुआत तो 1279 में हो गई थी। तो जब राजशाही की बात करते हैं तो लोगों का एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि राजा कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी आपकी रहती होंगी। आजकल हम देखते हैं तो आप उस पीढ़ी से आते हैं, राज परिवार से आते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्या लिमिटेशंस आप मानते हैं एज ए उस बैकग्राउंड से? मतलब ऐसा है कि मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को नहीं जानते हैं, तो विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी ना। तो मैं किस तरह बिहेव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ, इस सब पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। मतलब ऐसी मुंह फट आदमी नहीं हो सकता, मतलब यू कैन बी वेरी फ्री विथ योर वर्ड्स, और आपके बिहेवियर कैसा है बाहर जब जाते हैं, तो ये सब के लिए आज भी मतलब लोग किस तरह आप लोगों से मिलते हैं, कैसा आपका बर्ताव है वो तो जी। तो एक निजी सवाल थोड़ा सा मेरे मन में था कि जैसे कई जो डायनेस्टीज हम देखते हैं जो वर्तमान में हैं राजतंत्र, वो धीरे धीरे राजनीति की ओर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ आप राजनीति से भी अछूते हैं। जी जी जी, नहीं अछूता क्या क्या, मैं आई हैव फ्रेंड्स इन कांग्रेस, आई हैव फ्रेंड्स इन बीजेपी, आई हैव फ्रेंड्स इन ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज। मैं किसी एक पार्टी का बनके मतलब बिल्ला लगा करके हम आते पे नहीं जा सकता हूँ। रीजन बीइंग कि अगर एक बार मैं किसी पार्टी के साथ निकल गया तो फिर एक बिल्ला लग जाता है। एंड पॉलिटिक्स फॉर मी, जब शुरू में जब यहाँ पे उत्तराखंड अलग हुआ था, उस समय ऑफर आया था मुझे कि आप क्यों निकले होते हैं, टिकट हम देते हैं, बीजेपी से टिकट मुझे मिल रहा था उसमें, तो मेरे भी बीजेपी के साथ अच्छे संबंध थे, कलराज मिश्र जी थे लखनऊ में और राजनाथ सिंह जी थे, ऐसी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मतलब आप क्यों नहीं खड़े होते, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगर आपने गौर किया होगा शायद गज सिंह जी जी वो भी पॉलिटिक्स में आए थे, 3 महीने में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। दिस इज नॉट मतलब ये इस हम लोग इस लाइफ में ही कि हम ऐसी चीज़ों में हम बच नहीं पाएंगे। तो
तो सर मैं जानना चाहता हूँ, देवल दरबार हमने देखा, ये मतलब कब बना, क्या कुछ रहा इसका कुछ अगर हमें? 1615 में वो बिल्डिंग थी। अच्छा, पुरानी वाली जी, ये जो सामने बिल्डिंग जी, ये 1615 में थी, ये 1800 में। और कैसा आर्किटेक्चर, अभी आप देखते होंगे कि अब तो काफी क्राउड, जो शैली आपकी स्पेशल कट्यूर शैली हम देखते हैं जी, वो अब धीरे धीरे गायब होती चली गई है। हाँ हाँ, पर ये है कि इसका जो आर्किटेक्चर है, मैंने बहुत गौर से स्टडी किया है, हर एक चीज का नक्शा मैंने बना के रखा है, एक एक कमरे का, एक एक बिल्डिंग, एक एक खिड़की तक का मतलब नक्शा। तो आर्किटेक्चर देखा है, इज क्वाइट वियर्ड आई थिंक। उसको उसका कारण ये है कि जैसे हम दीवार जो बनाते हैं तो दीवार ऐसे बनती है जी, हमारी दीवारें ऐसे नहीं है। हाँ, सिर्फ बाहर की दीवार जो है वो ऐसे आती है, अंदर की दीवारें जो है सब ऐसी वाली है। एंड आई थिंक उसका रीजन ये है कि बिकॉज दिस इज अर्थक्वेक प्रोन एरिया, यहाँ पे अर्थक्वेक्स ज्यादा आते हैं, तो शायद ये दीवार ऐसे खड़ी हो जाती है अपनी जगह, पूरा हिला देगा तो पूरी बिल्डिंग को हिल जाएगी। तो दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील किया, उसकी वजह से इतने सालों तक ये बिल्डिंग खड़ी है और अभी भी ठीक ठाक ही है। नहीं, काफ़ी अच्छी अभी वो मेंटेन है इसको। और सर आपने वो भी रखा होगा, बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह प्रिजर्व करके रखे हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे थे मेरे पिताजी, आई केम हियर लॉन्ग, जब मैं 30-32 साल का था तब इंडियन एयरलाइंस की नौकरी छोड़ के आया मैं, माई फादर कॉल्ड मी, आई एम बीइंग द ओनली सन, उन्होंने कहा कि आना है तो आके अभी सब समझ लो, उनके बाद पाते बहुत देर हो जाएगी। तो आई केम हियर, उसमें तब तक तो बहुत से ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लोग आते थे यहाँ पे, अरे साहब हम तो पाल खानदान पे चीजें लिख रहे हैं, ये दस्तावेज जो हैं ये आप हमको दे दीजिए, मैं एक महीने में लौटा दूंगा। वो आज तक एक महीना नहीं आया। ताम्र पत्र थे कितने, सब उठा के ले गए थे। पिताजी सीधे थे, उनको समझ में आया नहीं जब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो देते रहे, लोग ले जाते रहे, फिर वापस नहीं आया। मतलब अभी बहुत कम अभी आपके पास है? जी बहुत कम है, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपके कुछ सिक्के भी पड़े हैं जो उस टाइम पे चलते थे। जी 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 जी, ढिपुआ कहते हैं। हाँ, ढिपुआ कोई राजा कहने में ये हमारे समझ दिमाग में आता कि नहीं वो लाव लश्कर है, वो बैठने का सब कुछ एक तरीका है, सब कुछ बहुत वो रहता है, लेकिन जिस तरह से आप एडवेंचर्स लाइफ में, ये अनछुआ पहलू था जो लोगों को नहीं पता था कि जो उस डायनेस्टी को, उस हयाती को जो कर रहे हैं अभी इधर पीढ़ी चला रहे हैं, वो इस टाइप के एडवेंचर्स भी होंगे कि मोटर उसका शौक भी रहेगा, बाइकिंग का शौक रहेगा, लंबी लंबी राइड करते हैं, शिकार विकार का शौक नहीं है? क्योंकि वो तो शिकार का भी था साहब, उस बात पर एक एक्सीडेंट हो गया, उसको शिकार अम्मा ने बंद करा दिया, सब सब उठा बंद कर भेज दी। आठ 375 हॉर्न 450 थी, वो भी जर्मन मेक की, तो अच्छी बड़ी बड़ी बंदूकें रखी थी, सब उठा कर अम्मा ने भेज दी, इधर रहेगा बाँस न बजेगा बाँस चले करके। So there was an accident, मैं गिर गया था, 35-40 गिर गया था। और आपका शौक वैसे क्या रहा है? I was never fond of movies. नहीं, movies के अलावा ऐसे शौक? My biggest form of जिसको आप शौक कह सकते हैं, उस games, जहाँ कोई भी game हो रहा हो, एक golf को छोड़ करके बाकी जो game है, golf है too much for my, क्योंकि आपके महल में मैंने देखा एक बैडमिंटन कोर्ट भी है जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, मुझे लगता है कि आपके फिटनेस का राज भी यही है। जी जी, वो नेशनल्स हुआ था गोवा में, गोवा में हम लोग जीते थे, गोवा में जीत करके फिर हम लोग गए थे खेलने इंटरनेशनल पोलैंड में, ये 2019 की बात है। 2019 में, उसके बाद फिर कोविड ही आ गया, तो कहाँ टूर्नामेंट नहीं हो पाए थे। और जहाँ तक मुझे जानता हूँ कि आप यात्राएं का शौक भी रखते हैं, स्पेशली बुलेट पे जी, तो देखिए बुलेट का उसका अपना ही एक मजा है। दूसरी बात यह है कि पहाड़ों में कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होती रहती है, जेसीबी काम कर रहा है, और आप धीरे से किनारे से निकल गए, अब फोर व्हीलर सब खड़े हैं, हमें तो घर पहुंच गया भाई आपको ना जी, सो विच इज मोस्ट कन्वीनियंट। एंड छोटी जगह चाहिए मनोवर करने के लिए, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनोवरिंग स्पेस, चार पहिए को तो ज्यादा छोटी जगह चाहिए, तो फटाफट यू, इट्स अ मच फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द हिल्स। अब वर्तमान में आप क्या देखते हैं, स्पोर्ट को किस नजरिए से देखते हैं आप? अब मेरी सेवा समाप्त हो गई, अब जो नए हैं वो करेंगे, उनको जो करना होगा, आई कांट उनके ऊपर मैं कोई थोप नहीं थी, मैं थोपना नहीं चाहता हूँ कि ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है, मैं सब समझाता हूँ, देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है,
But otherwise, मैं उनसे कहूँगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं ऐसा करो तो ये I don't think is right. अब ये जैसा ठीक समझेंगे वो अपने आप चलाएं. She was the wife of Maharaj Chandrabir Singh ji of Baswara. अच्छा ये मेरी बहन ये मेरी बहन ये जिया जी दोनों बेटियाँ हम लोग ने एक पैक बनाया कि पूरा राजस्थान कैप्चर करेंगे. ओके तो इनकी शादी तो जोधपुर वहाँ उदयपुर में हुई है इनकी जयपुर में और मैंने जोधपुर संभाल लिया. राजस्थान को कैप्चर करना ये तो मेरे दादा क्योंकि वो तो रहा ये पुराना अगर इतिहास देखते हैं तो वैवाहिक संबंध बहुत अच्छा था उसके आधार पे शासन भी बढ़ता था. वैवाहिक संबंध तो मजबूत आधार था किसी भी राज्य के लिए. ये महाराज बासवरा पृथ्वी सिंह जी और ये बताइए कौन और जो तलवार है तो आप ही हैं. और ये जो तलवार के बारे में आपको हाँ मैं बता रहा था ना हाँ. ये तलवार जो है ये वाली जी ये जोरावर सिंह की है. जोरावर सिंह वॉज बेसिकली द जनरल ऑफ वन ऑफ द महाराजाज ऑफ पंजाब रंजीत सिंह काने थे शायद जी आँख में तीर लग गया था उनको. उनका ही जनरल था वो कॉन्कर करते हुए करते इधर उस समय अस्कोट की सेना काफ़ी तगड़ी थी 100,000 की सेना थी हमारी तो सब फैली हुई थी और तो यहाँ तो नहीं आया वो उधर से डायरेक्टली पीछे पीछे जाकर तिब्बत में उसने आतंक फैलाया तो तिब्बत ही उन्हें हमसे मदद मांगी तो हमारी सेना गई थी. तो जोरावर सिंह तो खैर नहीं मिले पर उनके तलवार वहाँ पड़ी मिली थी युद्ध स्थल पर. तो हमारे जनरल वगैरह उठा के लेके आए थे ये तलवार ये अंग्रेज की तलवार है जो यहाँ कहते हैं उसका सर इसके नीचे गड़ा है गेट के नीचे जो देवल दरबार का जो गेट है ये शायद जो जोरावर सिंह शायद वही तो नहीं जो कहते हैं कि जो रूपकुंड में जो स्केलेटन मिलते हैं वो जोरावर सिंह की सेना गई थी और लौटी थी. ये वही है। उसके बाद फिर वो वहाँ वहीं पे वो मंत्र टाइप का बन गया था और फिर वो संत बन गए फिर पता नहीं क्या क्या तो वो वही आप बता रहे थे कि ये अतरंज है जी जी इसमें 10 खाने हैं लाइक चेस में 8 खाने होते हैं इसमें 10 खाने हैं और ज्यादा इसमें वो भी ज्यादा है. और आपका एक शौक भी है आपने बताया कि आप सब कुछ खुद करते हैं और आपका हाथ का बना हुआ ये हाँ ये बना हुआ ये खुद का बना हुआ है. जब अमून आदमी ये सोचता है राजा कुछ ऐसा कुछ करता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है कि ये टेबल ये मतलब इमेजिनरी नहीं रहता है कि ये इस प्रकार के काम भी करते होंगे. ये तो आपका क्वालिटी है आपका जो शौक है कौशल कह सकते हैं. ये मेरी मदर ये चार पीढ़ी मतलब एक ही इसमें ये ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर मेरी ग्रैंडमदर वाज फ्रॉम नेपाल आई थिंक बजांग से. हाँ जी बजांग की सबसे बड़ी राजकुमारी थी त्रिभुवनेश्वरी देवी एंड दैट्स माय ग्रैंडफादर माय फादर माय मदर ये पता नहीं कौन और माय सन माय डॉटर. और ये आपका मेडल है जो अरे वो गोवा में जीता गोवा जीता था गोवा बैडमिंटन एसोसिएशन का सर्टिफिकेट ऑनर्स. उसमें 800 जब ये नेपाल को जमीन नहीं दी थी उसमें 800 वर्ग मिलती थी इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स उन्होंने फिर पाया था कि 800 वर्ग मीटर की स्क्वायर माइल्स नॉट मीटर स्क्वायर माइल्स की टेरिटरी थी. जैसे हम कोई पर्टिकुलर नाम कहें कि यहाँ ईस्ट में ये था वेस्ट में ये था साउथ में और कहाँ कहाँ था जैसे आपका पहला था कोई लैंडमार्क सतगढ़ से आगे पिथौरागढ़ तक तो हम लोगों का ही था ना पर उसका एक्चुअली कोई ऐसा बाउंड्री टाइप का तो मतलब अब आप यहाँ देखो ना यहाँ हम लोग किसी के यहाँ बाउंड्री नहीं है मैंने अकेले ही बना रखी बाउंड्री सब है ना पर यहाँ बाउंड्री का कोई सिस्टम था ही नहीं ऊपर हाँ लास्ट टिबेट तक का अफसर होने राइट अप चाइनीज बॉर्डर. इस जगह पर इतनी बड़ी रियासत और इतना बड़ा महल बनाना वाकई बहुत कठिन था. और भानु राजपाल जी ने इसको जिस तरीके से संवार के रखा है संजो के रखा है वाकई जो आज की मुलाकात थी
मैं बहुत गदगद हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम से जो मैं जानना बताना चाह रहा था अपने दर्शकों को कि क्या हमारी विरासत थी, क्या धरोहर थी, वो आप तक पहुँचे और आप जानें कि इस क्षेत्र में जब राजशाही रही होगी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या जनता के बारे में, क्या समाज के बारे में उस पीढ़ी का क्या सोचना था, यही चीज़ मैं आपके बीच लेके आया था। तो जो आज अस्कोट का सफ़र था, अस्कोट यानी 80 कोटों का राज, जिसके नाम पे इस पूरे क्षेत्र को अस्कोट कहा गया और इस जगह का जो एक्चुअल उसका जो वास्तविक नाम है वो देवल है। तो इस सफ़र को आज यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सफ़र में। वो साहसिक भी हो सकता है, रोमांचक भी हो सकता है और इतिहास का कोई अनछुआ पन्ना भी हो सकता है। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। मैं आपका दोस्त, आपका दगड़िया, हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा, दगड़ियो भले रहिए।